हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा चलो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है जाइलम के पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। जाइलम के बाद में जो दूसरा हम लोग का सेकेंडरी परमानेंट सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स या फिर कहें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें हम लोग, टू टाइप से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे, जिसमें फर्स्ट में जाइलम था, सेकेंड में फ्लोएम था। जाइलम के पोर्शन को हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया था और सेकेंड टाइप जो है वह है फ्लोएम को। तो आज हम लोग का जो हेडिंग होगा वह है फ्लोएम। तो चलिए बेटा आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे फ्लोएम के बारे में। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लोएम इज एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले ये बात देखो कि जैसे जाइलम का रोल हम लोगों ने देखा था कि जाइलम का वर्क क्या है। तो जाइलम का जो फर्स्ट वर्क था, वाटर एंड मिनरल्स का रूट से प्लांट के लीफ तक यानी थ्रू द स्टेम होते हुए, तो स्टेम में या फिर लीफ तक वाटर को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और चूंकि वाटर जो है सॉइल से अब्जॉर्ब होता है तो उससे मिनरल्स भी अब्जॉर्ब होते हैं। तो वो सारे वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम का वर्क क्या है, देखिए एक चीज उस चीज को समझने के लिए आपको यहां पर मैं बता दूं कि यह एक प्लांट है। ओके, ये प्लांट का रूट पार्ट हुआ और ये प्लांट का मान लीजिए बेटा लीफ हो गया, ठीक है। ओके, अब यहां से O2 के ड्रॉपलेट और सॉरी H2O, ये क्या है H2O यानी वाटर है, H2O एंड मिनरल, ये सभी के सभी ये रूट हेयर हैं। अभी आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में रूट हेयर को पढ़ लिया होगा, ठीक। ये इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन करके स्टेम के थ्रू कहां पहुंचाएगा, वो लेकर के आएगा इस लीफ में। यहां क्या आ गया, H2O एंड मिनरल। यहां पर बेटा क्या आ रहा है, इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है सनलाइट। तो लाइट लेकर के यहां से H2O लेकर के और CO2 को लेकर के ये क्या बना देगा, ये बना लेगा कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट, या सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं तो ये क्या बना लेगा, फूड। लेकिन फूड जो है वो रूट तो नहीं बना सकता, ये सॉइल के अंदर में ना इसे लाइट मिल रहा है ना इसके पास क्लोरोफिल है यानी क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। तो ये लेकिन ये एक लिविंग सेल है, रूट भी, रूट क्या है, एक लिविंग सेल है, ठीक। तो किसी भी लिविंग सेल को कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत होती है अपने सर्वाइवल को बनाए रखने, यानी जिंदा रहने के लिए उसे खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये अपना एनर्जी तो बना नहीं सकता है और चूंकि ये ऑटोट्रॉफिक है यानी किसी दूसरे से एनर्जी ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इसे बना बनाया खाना चाहिए रूट को। तो ये खाना कौन प्रोवाइड करेगा इसको, तो इस लीफ में जो फूड बना है, अब इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन किधर से होना है भैया, तो इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए, अब इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स में इधर की ओर आएगा, किधर की ओर, तो ये यहां से होते हुए, थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूं, और ये यहां से इसको आ जाएगा, किसको, तो रूट को, क्या, तो ये फूड। तो ये जो फूड लीफ में बना है, इस बने हुए फूड का ट्रांसपोर्टेशन या तो रूट तक या प्लांट के किसी दूसरे भाग में कराने के लिए वो काम करता कौन है, तो वो काम फ्लोएम करता है, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम इज द मेन टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट या फ्रॉम लीफ टू रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के वैसे पार्ट में जहां पे फूड नहीं बन रहा है, जैसे स्टेम के रीजन में जहां पे अब फूड नहीं बन रहा है, या फिर रूट के रीजन में जहां पे फूड बनता ही नहीं है,
तो वैसे वैसे रीजन तक फूड पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। ठीक है, तो चलिए फ्लोएम के बातों को यहां पर इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू रूट एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट। Which are synthesized by photo, तो वो फूड कैसे सिंथेसाइज होते हैं? तो फोटो सिंथेसिस से होते हैं। अब देखो, जैसे आप लोगों ने जाइलम में देखा था कि टू टाइप्स के जाइलम होते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, उसी तरह यहां पर टू टाइप्स ऑफ फ्लोएम कौन कौन से? एक हो गया प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंड हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, कौन कौन से पार्ट हो गए? प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दो टाइप के हो गए। अब अगर हम लोग बात करें फर्स्ट में प्राइमरी फ्लोएम की, तो फर्स्ट फॉर्म या फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ, फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी, फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ कॉल्ड, फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम। ओके, यानी कि जो अब प्राइमरी फ्लोएम टू टाइप्स के, इट इज टू टाइप्स जाइलम में, यानी प्राइमरी जाइलम आप लोग कितने टाइप्स के देखे थे? तो टू टाइप्स के, प्रोटो जाइलम एंड मेटा जाइलम, उसी तरह से प्रोटो फ्लोएम एंड मेटा फ्लोएम होते हैं। ओके, चलिए यहां तक की बातें हुई। अब आइए तो प्राइमरी जाए, ये प्राइमरी फ्लोएम टू टाइप्स के बेटा कौन कौन से? तो प्राइमरी फ्लोएम टू टाइप्स के प्राइमरी फ्लोएम इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन प्रोटो फ्लोएम, तो प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम, प्रोटो जाइलम और मेटा जाइलम क्या कह रहा था? जैसे आप वहां पर प्रोटो जाइलम और मेटा जाइलम देखे थे, उसी तरह यहां पर द फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी, ओके, द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम
ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम इज कट जाएगा लिखता हूं द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड प्रोटो फ्लोएम एंड लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम इज मेटा फ्लोएम एंड लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम इज मेटा फ्लोएम हो गया। तो अब यहां पर प्राइमरी फ्लोएम कंप्लीट हो गए। अब आइए देखते हैं हम लोग सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम की अगर बात करें हम लोग तो फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ ग्रोथ यानी कि ड्यूरिंग फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। द फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द फ्लोएम फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ the phloem formed during the secondary growth called secondary growth। उसी को क्या कहते हैं हम लोग called secondary phloem। It is formed from vascular cambial ring। तो वस्कुलर कैम्बियल रिंग से सेकेंडरी फ्लोएम बन करके आते हैं। तो यहां तक प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम तक की बात कंप्लीट हो गई। अब एलिमेंट ऑफ फ्लोएम फ्लोएम इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट मींस इट इज आल्सो मेड अप फ्रॉम मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल या एलिमेंट। इट इज made up of four types of element। कौन कौन से वो element हैं? तो एक है sieve tube कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, ओके। एंड फोर्थ में है क्या क्या आया? सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। फिर लास्ट में है
स्टीम ट्यूब कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर हाँ एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आइए ये हो गया। अब इसी के वन बाय वन को जैसे जाइलम के फोर एलिमेंट को वन बाय वन करके हम लोगों ने देखा था, उसी तरह इसके वन बाय वन करके हम लोग इसको देखेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीव ट्यूब को। अब ये दो तरह के चीज होते हैं, सीव ट्यूब एंड सीव सेल। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है? और जैसे जाइलम में, वहां पर जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सब डेड थे। यहाँ पर सिर्फ जाइलम फाइबर डेड होगा, बाकी सब लिविंग होंगे। हमने क्या क्या लिखा था मैं यहाँ पर कर देता हूं। तो सीव ट्यूब और सीव से, कॉम्पेनियन से, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक, और सीव सेल होता है, आप लोग शुरू में जो लिखा है तो वहीं पर मेंशन कर लीजिएगा, मैंने मिटा दिया, इसे दोबारा लिख के समझा रहा हूं, जिम्नोस्पर्म में एंड ट्रिडोफाइटा में। किसमें किसमें? जिम्नोस्पर्म और ट्रिडोफाइटा में कौन होता है बेटा? बस थोड़े से के डिफरेंस होते हैं सीव ट्यूब और सीव सेल में, दोनों फ्लोएम के ही पार्ट है, एलिमेंट है। तो सीव ट्यूब और सीव सेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सीव ट्यूब नाम कब देते हैं? जो एंजियोस्पर्म होता है, और सीव सेल कब होता है? जब जिम्नोस्पर्म और टिडोफाइट में मिलता है। कॉम्पेनियन सेल हो गया, बाकी सब सेम है। अब देखो जब यहां से यहां तक की बात करते हैं, ये तो पहले समझिए कि एंजियोस्पर्म में ये और जिम्नोस्पर्म में ये। चलो अब एक इसको मिटा देता हूं मैं, एक चीज लिखना है इसके लिए। तो यहां पर अब आइए, सीव ट्यूब से लेकर के कहां तक? तो यहां सीव ट्यूब से लेकर के ये यहां तक सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं, और सिर्फ फ्लोएम फाइबर नॉन लिविंग होता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में बड़ा सा, ठीक है। जाइलम में तीन डेड एक लिविंग, फ्लोएम में तीन लिविंग एक डेड। ओके, इसके एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। अब आइए तो सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे हम लोग? सीव ट्यूब, ठीक है। देखिए सीव ट्यूब जैसे जाइलम के फोर एलिमेंट थे, कौन कौन से? तो ट्रैकिड, वेसल्स, ये सारे चीज। तो जैसे ट्रैकिट्स वहां पे वर्क कर रहा था,
कैविटी होती थी और उस तरह से वो काम कर रहा था वाटर के एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में, उसी तरह यहाँ पर ये एज ए ट्रैकिट्स के तरह, लेकिन ट्रैकिट्स कम्प्लीटली नॉन लिविंग था और ये क्या है कि लिविंग है। तो उस तरह से यह भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है जैसे वहां पर ट्रैकिट्स कर रहा था। ओके चलिए, तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि ये कैसा होता है जैसे, तो ये भी बना होता है मिनी टाइप मिनी सेल से। तो मिनी सेल हम लोग किस तरह से देखने मिल रहे थे, जैसे ट्रैकिट्स सिंगल सा, लेकिन वेसल्स को याद कीजिए, जाइलम के वेसल्स को, वेसल्स आर मेड अप ऑफ मिनी सेल, उसी तरह ये वेसल्स के जैसा मिनी सेल से मिलकर बना होता है और काम ट्रैकेट्स और वेसल दोनों के जैसा ही ये करता है। तो चलेंगे इसमें लिखेंगे हम लोग कि हाँ, लाइक वेसल्स सीप ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ मिनी सेल्स, वेसल्स इट इज made up of many cells, small कर देता हूं, it is like vessels, it is made up of many cells called sieve tube element या sieve tube member इसी को कहते हैं। अब इसका structure अगर हम लोग बात करें कि ये कैसा होता है, तो sieve tube element जो होते हैं वो long tube like structure है, ट्यूब आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और अरेंज कैसे होता है बेटा, तो अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, तो ये लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से लंबे लंबे तरीके से अरेंज होते हैं, तो अरेंज लॉन्गिट्यूडनली कहते हैं। और ये सेल मेनी सेल से बना है, तो वन सेल एक सेल दूसरे सेल के ऊपर में होते हैं, तो जैसे वहां पर देखने को मिल रहे थे, तो वन सेल आर अरेंज वन अबाउट दी अदर, दीज आर या ऐसे वन सेल आर वन सेल अरेंज अबव द अदर, यानी एक सेल दूसरे सेल के ऊपर में अरेंज होता है। ओके और अदर इन ये भी लिख देता हूं, इन डिस्टिंक्ट लीनियर रो, इन डिस्टिंक्ट लीनियर रो, अलग अलग रो के रूप में, ठीक है। रो किसको कहते हैं, हाँ रो और कॉलम, कॉलम इसको और रो साइड इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इस तरह से ये बनता है। चलो एक स्ट्रक्चर इसका बनाता हूं, जरा ये स्ट्रक्चर निकाल लूं मैं, चलिए इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम लोग, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी।
अच्छा इस तरह से ये बनना है, बस थोड़ा सा समझते चलेंगे आप लोग भी। आपको लग रहा होगा ये क्या बन क्या रहा है, बताता हूं मैं ये क्या बन रहा है। अब देखिए इस तरह से इसको कहते हैं, ये दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा सी प्लेट, दिस इज सी प्लेट एंड कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। ठीक है, तो अब आइए, तो ये जो इस तरह से यही सीव ट्यूब है, अरेंज वन अबव द अदर, या एक सीव ट्यूब हुआ, ये दूसरा सीव ट्यूब हुआ, ये तीसरा सीव ट्यूब हुआ, यानी इसके जो सेल हैं एक दूसरे के सीव ट्यूब, क्या बोला था, मेड अप ऑफ मेनी सेल, यानी यह एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और इसके इंड पे ये सीव प्लेट है जो परफोरेटेड होता है, यानी पोर होते हैं, जिसके वजह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब की ओर आसानी से क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब पहले बात ये समझ गए, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर इस तरह से स्फेरिकल छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखा है, जैसे दैट इज दी ये सीव पोर हुआ, यानी फूड जो है इस सेल से इस सेल तक आसानी से आ जाएगा। ये कॉम्पेनियन सेल हुआ, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हुआ, ओके, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कंप्लीट लिविंग है, कॉम्पेनियन सेल कंप्लीट लिविंग है, सीव ट्यूब भी लिविंग है, फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वह अरेंज होते हैं ताकि वह डेड सेल है वह सब मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए होता है। तो यहां तक ये बातें जो है आप लोगों को तो आई समझ में। अब चलिए आगे के पॉइंट को लिखने के लिए हमें इस चीज को मिटाना पड़ेगा। चलो अब लिखते हैं हम लोग इसकी बातों को। तो क्या कह रहे थे हम कह रहे हैं कि सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वह थिन वॉल्ड लिविंग एज एलिमेंट है, सीव ट्यूब इज थिन वॉल्ड, और क्या बोला था मैं शुरू से ही, लिविंग थिन वॉल्ड लिविंग एलिमेंट, ये बात याद रखिएगा। थिन वॉल्ड अगर है इसलिए लिविंग है, अगर लिग्निन और लिग्निन अगर यहीं पर थिन वॉल्ड है मतलब यहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, ये भी एक कॉमन सा चीज याद रखिए। जहां पर भी थिक वॉल्ड आया THIC के मतलब ज्यादा मोटा हुए हैं सेल वॉल, क्यों, या तो पेक्टिन होगा नहीं तो वहां पर लिग्निन होगा, और जहां पे थिन वॉल्ड है इसका मतलब वहां पे लिग्निन नहीं है, एटलीस्ट लिग्निन नहीं है तभी वो लिविंग है। ओके, तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीव ट्यूब इज थिन वॉल्ड लिविंग एलिमेंट है, थिन वॉल्ड लिविंग एलिमेंट है, और क्यों, क्योंकि सेल वॉल जो है वह सेलुलोज का बना होता है। Because cell wall is cellulogic, और क्यों, क्योंकि इसका cell wall जो है वह cellulogic है।
ए मैच्योर एक मैच्योर सीव ट्यूब में पूरा का पूरा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल बट न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होगा। तो सीव ट्यूब मैच्योर मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए सेंट्रल वैक्यूल बट लैक न्यूक्लियस, लेकिन इसके पास क्या नहीं होगा, बट लैक न्यूक्लियस। अब कहते हैं और पेरिफेरल क्यों वर्ड आया है यहां पर, अगर यह सेल है और वैक्यूल का साइज हमेशा बड़ा होता है, इतना बड़ा वैक्यूल हो गया तो बाकी साइटोप्लाज्म क्या हो गए, इसके बाहर में होंगे, तो इसलिए पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ। ओके, तो पेरिफेरल बाहर की तरफ चित्राया हुआ, इस तरह से उसका मीनिंग हम लोग लेकर के चलते हैं। अब कहते हैं द इंड वॉल ऑफ the inner wall of sieve tube element called sieve plate, जो भी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए थे उसमें सी प्लेट आया था, पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे, विच आर जनरली ऑब्लिक जो सी प्लेट यानी सी ट्यूब के एंड वॉल जो होते हैं लास्ट वाला ऊपर का रीजन, तो उसी को कहते हैं सी प्लेट, जो ऑब्लिक स्ट्रक्चर, ये ऑब्लिकली होता है जो आपको स्ट्रक्चर उस तरह का बनाए थे। सीव ट्यूब या सीव प्लेट करते हैं, हाँ सीव प्लेट है न्यूमेरस पोर किस लिए, तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सीव ट्यूब सीव प्लेट है न्यूमेरस पोर्स विच ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम पोजेसेस फोर विच ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम दिस फोर, और इसी पोर के थ्रू फूड मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो दिस इज परफोरेटेड, क्यों, इसीलिए यह परफोरेटेड है यानी कि पोर का फॉर्मेशन है, दैट इज इट इज परफोरेटेड कर लेंगे, That is, this is perforated. Okay, अब आइए कहते हैं sieve tube element are associated with companion cell. Sieve tube जो है वह किससे, कॉम्पेनियन सेल से एसोसिएटेड है। अब एक बात देखो, ये कॉम्पेनियन सेल से एसोसिएटेड क्यों है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है
और सेल का न्यूक्लियस क्या करते हैं बेटा, सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का मेन कंट्रोलिंग पावर होता है। जैसे हमारे बॉडी का ब्रेन, एक सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस है, पूरा डीएनए वगैरह सारा चीज उसी में है। तो इसको कंट्रोल करने का काम यानी इसके वर्क को रेगुलेट कराने का काम कॉम्पेनियन सेल करता है, क्योंकि कॉम्पेनियन सेल में क्या होते हैं, कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। तो इसीलिए कहता है कि चूंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसका जो फंक्शन है कौन कंट्रोल करता है, तो कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल करता है। तो कहते हैं सीव ट्यूब आर कंट्रोल बाय कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब आर कंट्रोल बाय कॉम्पेनियन सेल बिकॉज बिकॉज न्यूक्लियस एब्सेंट इन सीव ट्यूब। तो न्यूक्लियस चूंकि एब्सेंट है किसमें, सीव ट्यूब में, इसीलिए। तो यहां तक की अभी एक बात तो ये हो गई, अभी चलिए अभी इसमें और भी पॉइंट है अभी हम लोग को थोड़ा लिखने के लिए। तो ये तो एक चीज समझ गए, तो इसी वजह से कॉम्पेनियन सेल सो कॉम्पेनियन सेल कॉल्ड सिस्टर सेल ऑफ सिस्टर सेल, कॉम्पेनियन सेल कॉल्ड सिस्टर सेल ऑफ सीव ट्यूब। कॉम्पेनियन सेल को क्या कहते हैं, सिस्टर सेल, सीव ट्यूब का सिस्टर सेल कहते हैं। ओके, अब आइए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। तो उसको सिस्टर सेल कर दिए, तो कहते हैं कि प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीव ट्यूब होता है, प्रोटोफ्लोएम है नैरो, प्रोटोफ्लोएम है नैरो सीव ट्यूब एंड मेटाफ्लोएम फ्लोएम है बिगर सीव ट्यूब है, बिगर सीव ट्यूब। ओके, अब अगर हम लोग बात करें अकरेंस की कि कहां होता है, तो अभी हमने आपको लिखा था अकरेंस, बात करें हम लोग अकरेंस की कि ये कहां होता है। अगर अकरेंस की हम लोग बात करें तो चूंकि सीव ट्यूब की अगर बात करेंगे तो सीव ट्यूब एब्सेंट होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म और ट्रिडोफाइट में, वहां पे क्या है सीव ट्यूब के जैसे सीव सेल होते हैं। तो ये अकरेंस में यानी या मेन रूप से किसमें, तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो कहते हैं इट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड ट्रिडोफाइट में ये एब्सेंट होता है, बट दे हैव सीव सेल इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब। तो
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं बेटा, सीव सेल होते हैं इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब के प्लेस पे। तो ये बात आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों इसमें सीव ट्यूब में और इसमें अंतर क्या होता है, ये एक डिस्टिंक्ट लीनियर रो में होता है। सीव सेल आर नॉट अरेंज इन डिस्टिंक्ट लीनियर रो। But they have sieve plate like sieve tube। अब बेटा sieve cell linearly arrange नहीं होता है जो डायग्राम में हमने बना के दिखाया, लेकिन sieve cell में जैसा कि sieve tube में परफोरेशन था यानी सीव प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह सीव प्लेट जो है वो सीव सेल में भी बनता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, तीन टर्म हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, सीव ट्यूब ओके, और हम कह रहे हैं दूसरा टर्म सीव सेल। ये सीव सेल नाम का चीज किस में होता है, तो जिम्नोस्पर्म में एंड ट्रिडोफाइटा में ओके और सीव ट्यूब किस में होता है, तो एंजियोस्पर्म में। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि सीव ट्यूब लीनियरली अरेंज होता है, लेकिन सीव सेल डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट या डिस्टिंक्ट लीनियर रो का फॉर्मेशन नहीं करता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि सीव प्लेट, तो सीव प्लेट जो है वो सीव सेल में भी होता है और सीव ट्यूब में भी होता है। तो सीव प्लेट का नाम क्या है, तो इस तरह से परफोरेटेड प्लेट जो बन रहा था, ये इस तरह का पोर का फॉर्मेशन, ये पोर है, तो ऐसा पोर जो है वह इसको सीव प्लेट कहते हैं। ये दोनों में होता है, सीव ट्यूब में भी और सीव प्लेट सेल में भी, बस ये डिफरेंस को याद रखना है ओके। अब चलिए, तो अकेलेंस तो समझ गए, तो यानी कि ये बात आपको याद रखनी है कि ये होता कहाँ है भाई ओके। तो होता है ये मेन रूप से एंजियोस्पर्म में ओके। अब आइए फंक्शन की बात करें हम लोग, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फंक्शन क्लियर सी बात है, जैसे जाइलम में वो क्या कर रहा था आपका, जाइलम का ये वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसका भी रोल ट्रांसपोर्टेशन ही मेन वर्क है इसका, उसके अलावा और सबसे मेन वर्क कंडक्टिंग फूड मटेरियल ओके। तो कंडक्टिंग फूड मटेरियल, कंडक्टिंग फूड मटेरियल थ्रू ए कंटिन्यूअस चैनल। कंटिन्यूअस चैनल क्यों, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल के ऊपर एज ए रो के फॉर्म में होता है, तो एक सेल से जाएगा दूसरे सेल में आसानी से क्रॉस कर जाएगा, किसके थ्रू, तो पोर के थ्रू कर जाएगा ओके। तो थ्रू ए कंटिन्यूअस चैनल के रूप में आसानी से फूड को ट्रांसपोर्ट कर देगा। चलिए ये एक बात हो गई हमारा, अब यहाँ पर ये कंप्लीट फंक्शन भी हो गया। अब सेकंड में देखते हैं हम लोग कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल के बारे में, सीव ट्यूब हो गया, सीव ट्यूब के बाद में क्या है, तो कॉम्पेनियन सेल। देखिए
कॉम्पेनियन सेल जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है। तो इट इज ए स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस, इट इज ए स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस से which is closely situated with sieve tube, जो closely associated है किसके साथ, तो associated with sieve tube के साथ। एक बात तो आपको ये एकदम important बात आपको याद रखनी है, okay? और इसी को नाम कॉम्पेनियन क्यूब, कॉम्पेनियन का मतलब होता है सहचर, सहायक। तो किसका सहायक है, सीव ट्यूब का सहायक है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया कॉम्पेनियन सेल, यानी कंपनी देता है किसको, इट प्रोवाइड दिस कंपनी टू दी सीव ट्यूब। ओके, ये बात आपको एक चीज ये मिल गई। फिर कहता है ये कैसे सेल का बना होता है, ये कैसा सेल है, तो दीज आर लॉन्ग नैरो, साथ ही साथ थिन वॉल्ड भी होगा, लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड सेल्स, लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड सेल एसोसिएटेड विथ लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड सेल एसोसिएटेड या अटैच विथ कर सकते हैं, एसोसिएटेड विथ लैटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब, लैटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब के लैटरल साइड में होता है। कॉमन वॉल प्रेजेंट between sieve tube and companion cell, sieve tube में और companion cell का जो wall होते हैं वो common होते हैं। which is thin and पीट फिल्ड, ठीक है ना, पीट फिल्ड। अब पीट फिल्ड क्या होता है बताता हूं, लिखाता हूं मैं। चलिए कॉम्पेनियन से स्टार्ट जहां से हुआ है उसको रहने देते हैं, उसके आगे की चीजों को ऊपर लिखते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब आइए, तो क्या कहते हैं हम लोग, पिट फील्ड। पिट फील्ड कहते हैं किसको, आर पीट फील्ड वो एरिया होता है जहां पे थिकनेस बहुत कम हो जाते हैं, ग्रेटली रिड्यूस एरिया है थिकनेस के लिए, तो उसी को कहते हैं कि पीट फील्ड्स आर, पीट फील्ड वो एरिया है जहां पे ग्रेटली रिड्यूस थिकनेस होती है। पीट फील्ड्स आर आर एरिया, पीट फील्ड्स आर ग्रेटली greatly thickness reduce great peat fields are, एक मैं सेंटेंस को क्लियर करने दीजिए, peat fields are लिख सकते हैं इसको, peat fields are
द वॉल एरिया यानी पर लगा देता हूँ फीट फेस आर वॉल हाँ वॉल एरिया वॉल एरिया ऑफ ग्रेटली रिड्यूस थिकनेस तो ग्रेटली रिड्यूस थिकनेस को ओके चलिए थोड़ा सा मुझे इंक डालना होगा फिर से ये एक बात मिली आपको तो अब देखते हैं तो ग्रेटली रिड्यूस एरिया जो होते हैं थिकनेस जहां पे काफी कम होती है उसी को कहते हैं हम लोग पिट फिल कहते हैं ओके उस एरिया को क्या कहेंगे पिट फिल कहते हैं और पिट फिल होता कहां है तो उस कॉमन एरिया में होता है जहां पे दोनों मिलते हैं कौन कॉम्पेनियन सेल और ये आपका सीव ट्यूब पीट फील्ड आर प्रेजेंट बिटवीन दी पीट फील्ड्स आर हाँ प्रेजेंट बिटवीन दी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल ऑफ और प्रेजेंट बिटवीन दी कॉमन लॉन्गी longitudinal wall of companion cell common longitudinal wall of companion cell and longitudinal cell and sieve tube तो जहां पे दोनों मिलते हैं उसी को एरिया पे ये होता है अब फील्ड इजिली ट्रांसफर दी मटेरियल इजिली ट्रांसफर दी कोई भी फूड मटेरियल कुछ भी जो इजिली ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन देम बिटवीन दे ओके तो किसके बीच में इसको सॉरी थोड़ा गंदा ना लगे ट्रांसफर दी मटेरियल बिटवीन दे तो कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब के बीच में आसानी से क्योंकि दोनों का वॉल तो कॉमन है ना वो सेंटेंस तो लिखाया है ना मैंने दोनों का वॉल कॉमन है और कॉम्पेनियन सेल लॉन्गिट्यूडनली अटैच है किसके साथ सीव ट्यूब के साथ तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा था मैंने कॉम्पेनियन सेल और जो वहाँ पे वो एरिया जो है पहले तो ये लैटरली अटैच होते हैं एसोसिएटेड विद लैटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब और वॉल कॉमन है तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल ऑफ कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब के बीच में ये पीट फील्ड होते हैं जो आसानी से किसी भी मटेरियल को ट्रांसफर कराने में मदद करते हैं ठीक है पीट्स ऑल्सो मेंटेन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कंटेंट बिटवीन बोथ सेल का मतलब सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको भी मेंटेन करने में ये मदद करता है ठीक है अब चूंकि
क्योंकि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैरेंकाइमा है, पैरेंकाइमा कंप्लीटली लिविंग होता है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं कंपेनियन सेल इज लिविंग सेल, क्योंकि पैरेंकाइमा है तो ये लिविंग होगा, लेकिन फिर भी मैं लिखा दिया आपको तो ये कंप्लीट लिविंग सेल है। अब अगर अकरेंस की हम लोग बात करेंगे तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलता है, अकरेंस तो इट इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। क्या कह रहे हैं, फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। तो एब्सेंट किसमें हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में, ट्रिडोफाइट में, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंड ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड ट्रिडोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म और ट्रिडोफाइट में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, बाकी ये दोनों जगह ये क्या है, प्रेजेंट होता है। ओके कहते हैं जिम्नोस्पर्म पोजेसेस एल्बुमिनस सेल, जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट एल्बुमिनस एल्बुमिनस सेल। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके जगह पे कॉम्पेनियन सेल के जगह पे उसके पास एल्बुमिनस सेल होते हैं, काम वो भी इसी के जैसा करता है, उसे सपोर्ट ही देता है कौन से सीव ट्यूब को, लेकिन बस यहाँ पर कॉम्पेनियन के जगह पे एल्बुमिनस सेल हो जाएगा। ओके तो चलिए अकरेंस हो गया हमारा, अब हम लोग प्रेजेंस फंक्शन की बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका भाई द कॉम्पेनियन सेल का मेन फंक्शन के रूप में क्या है। कॉम्पेनियन सेल हेल्प द मेंटेनिंग ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, पहला फंक्शन कॉम्पेनियन सेल हेल्प द मेंटेनिंग द प्रेशर, हेल्प द मेंटेनिंग द प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट, कॉम्पेनियन सेल हेल्प दी मेंटेनिंग दी प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में ये क्या करता है, तो यह मदद करता है, सबसे पहला काम मेंटेन दी प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब में। ओके इन सीव ट्यूब में, अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया भाई, प्रेशर ग्रेडियंट देखो ऐसे एक्चुअल में तो अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ही होता है एक्चुअल में, ये चीज आपको मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे वाटर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो फूड ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, लेकिन अभी उसके वजह से भी, लेकिन वो सारा चीज अभी नहीं हो सकता, लेकिन चलिए एक मोटा मोटी बताता हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, डिफरेंस इन प्रेशर that decide the flow of direction, that decide the flow of direction, that या that decide the flow of material, material किस direction में flow करेगा,
तो उसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन या फ्लो ऑफ फ्लूड भी लिख सकते हैं, मेन रूप से चलो फ्लूड दोनों के रूप में आ जाएगा फ्लूड। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, ये आप समझ लीजिएगा कि ये प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बात हो रही थी। ओके, दूसरा चीज देखो आप कि एक तो इसका काम ये मेन फंक्शन यही है। अब हम लोग चलते हैं, दो चीज हो गए, अब थर्ड हम लोग को देखना है फ्लोएम फाइबर के बारे में। फ्लोएम फाइबर देखो, जैसे जाइलम फाइबर एकदम कंप्लीट डेड सेल था, उसी तरह फ्लोएम फाइबर भी कंप्लीट डेड सेल है। इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, और ये सभी तरह के क्या है, तो सभी तरह के वस्कुलर टिश्यू में मिलता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टीटोफाइट सभी में मिलेगा। और इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट, और इसका कमर्शियल यूज भी होता है फ्लेक्स के रूप में, हेम्प के रूप में। पहले जो नल की फिटिंग होती थी, तो पाइप में जब नल को फिट करते थे, एक लंबा सा धागे जैसा कुछ आता था, उसको लपेटते थे, दैट इज द हेम्प। उसी को कहते हैं हिंदी में पटुआ, सन पटुआ, तो इंग्लिश में उसी को कहते हैं हेम्प, फ्लेक्स, ये सब का कमर्शियल यूज है। तो वो सब जो होते हैं उतने लंबे लंबे फाइबर के रूप में, दैट इज द फ्लोएम फाइबर। तो सी में चलते हैं नेक्स्ट, यानी थर्ड क्या है, फ्लोएम फाइबर क्या है, वह फ्लोएम फाइबर है, वो है फ्लोएम फाइबर। चलिए, फ्लोएम फाइबर की हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, चलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं बास्ट फाइबर, बी ए एस टी बास्ट फाइबर, याद रखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। इट इज अस्कलरेनकाइम, अस्कलरेनकाइमेटस फाइबर, ये अस्कलरेनकाइमेटस फाइबर है। ओके, इसके पास कोई ब्रांच नहीं होते हैं, ये अनब्रांच होता है, they have pointed needle like apices on branch, yani single form mein honga ya, okay। और ये जो है बाकी सबसे क्या हो गए, तो ये बाकी सबसे ठीक होगा, वॉल इज ठीक एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट and maturity protoplasm, at maturity protoplasm means dead, protoplasm क्या होते हैं इसके, dead कर जाते हैं, it is dead element। अब हम लोग बात करेंगे इसके अकरेंस की, कि इसका अकरेंस यानी ये कहां कहां होता है। तो देखिए अकरेंस की अगर बात करेंगे तो हम लोग प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होता है, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन ये सेकेंडरी फ्लोएम में क्या है,
तो ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। ओके, और फंक्शन, तो फंक्शन इसका सिर्फ एक ही है, मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट। फंक्शन क्या करेगा, तो फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, सिर्फ इसका एक ही मेन फंक्शन है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब आइए लास्ट में डी कहें या फोर्थ कहें, फ्लोएम पेरेन्काइमा, लास्ट है पेरेन्काइमा। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा कंप्लीट लिविंग था, तो ये भी लिविंग होगा। एक्चुअल में अगर बात की जाए, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, किसी रेफरेंस बुक में खोजना पड़ेगा तो मिलेगा, जाइलम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा ही वो बाकी के तीन एलिमेंट को बनाते हैं या बाकी के तीन एलिमेंट को रेगुलेट करते हैं। जैसे आप देखो सीव ट्यूब, अगर सीव ट्यूब काम करना बंद कर दे, तो उसकी कोई एक सीव ट्यूब का सेल काम करना बंद कर दे, तो उसको रिप्लेस करके नया सीव ट्यूब कौन बना करके लेके आएगा, वो फ्लोएम पेरेन्काइमा ही जो है वो दूसरा सीव ट्यूब के सेल को बना देगा। तो इस तरह से ये एक्चुअल में क्या है, कंप्लीट लिविंग और एक्टिव पार्ट है, जो उस तरह के बाकी एलिमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, तो लिखते हैं इट इज लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल, ये क्या है, कंप्लीट लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल है। ओके, अच्छा एक चीज छूट गया है, फ्लोएम फाइबर में हमने बोला था कि कमर्शियली यूज करते हैं, अकरेंस तो हो गया, और अकरेंस के बाद यहीं पर लिख देता हूं मैं, इसको मिटाऊंगा नहीं, और फंक्शन तो हो ही गया है, फंक्शन में या फंक्शन के बाद भी आप लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूं फ्लोएम फाइबर जो है वो कमर्शियली यूज होता है। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हेम्प आर कमर्शियली यूज्ड। ओके, तो इट इज लिविंग। अब आइए यहां पर फिर से फ्लोएम पेरेन्काइमा जो लास्ट टाइप है एलिमेंट का, फ्लोएम एलिमेंट का, इसमें लिख लेते हैं कि ये एक कंप्लीट लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल है। इसके बाद इट इज एलोंगेटेड सेल विद टैपरिंग एंड, यह एक एलोंगेटेड सेल है और कैसा, तो विद टैपरिंग एंड है। साथ ही साथ दे आर सिलेंड्रिकल सेल, दे आर सिलेंड्रिकल सेल, यह कैसा है, तो यह सिलेंड्रिकल सेल का है। तो हो गया सेब, इसके सेल में सेल है डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म डेंस होगा और न्यूक्लियस भी क्लियरली कंप्लीट दिखाई देने वाला है, कंप्लीट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसी को कहते हैं। तो लिख सकते हैं प्रोमिनेंट या नहीं भी लिख सकते हैं,
सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज विद पिट्स, यानी सेल वॉल जो है वह पिट्स से, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज विद, इसके पास पिट होते हैं। और पिट का काम क्या है, ये जो पिट होता है सेलुलोज विद पिट्स दैट हेल्प एट जॉइनिंग ऑफ कनेक्टेड सेल, एडजॉइनिंग ऑफ कनेक्टेड सेल, जो कनेक्टेड सेल है ओके अब आइए अगर फ्लोएम लोग अपीयरेंस की बात करें कि ये फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ होता है, तो होता तो सब में है लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में, मोस्ट मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोटीटोफाइट में भी मिलता है बस। तो ये मोस्टली एब्सेंट इन मोनोकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट। और इसके हम लोग फंक्शन की बात करें, जिस बाकी सब में अगर नहीं दिए, यानी जिम्नोस्पर्म नहीं लिखे कि जिम्नोस्पर्म एब्सेंट होता है कि नहीं, इसका मतलब वहां पे होता है, जिसमें एब्सेंट होता है वो मेंशन किए, तो मोस्टली एब्सेंट इन मोनोकॉट। और ऐसा नहीं कि सभी में, ज्यादातर मोनोकॉट में एब्सेंट होता है ओके। अब आइए फंक्शन की बात करते हैं, ये मेन फंक्शन जो है इसका स्टोरिंग ऑफ फूड सिंथेसिस, ये मतलब ये फ्लोएम पैरेन्काइमा तो जो भी फूड सिंथेसाइज होते हैं उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो स्टोर ऑफ सिंथेसाइज फूड, और जैसे वाटर का लैटरल कंडक्शन जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा था, उस तरह से लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड बाय फ्लोएम फाइबर ओके। तो ये लैटरल कंडक्शन का भी काम, यानी ऑल्सो हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्ट, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या किया, ये मदद कर दिया ओके। ये अदर वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल को भी स्टोर करता है, स्टोर अदर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कॉर्न, टैनी, म्यूसिलेज, ये सब जो होते हैं, टैनिंग हो गया, रेजिन हो गया, रेजिन्स टैनिंग रेजिन्स म्यूसिलेज, ये सारी चीजों को ये स्टोर करने का, या लैटेक्स, ये सारी चीजों को स्टोर करने का काम करता है ठीक है। चलिए तो यहां तक की हमारी बातें जो है वह कंप्लीट हो गई फ्लोएम की। फ्लोएम के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में डीप टिश्यू सिस्टम, किसको, डीप टिश्यू सिस्टम को, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। फ्लोएम का पार्ट कंप्लीट हो गया, तो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया ओके। थैंक यू।